नरेंद्र मोदी जी देश को ये बताएं कि परिवार में समृद्धि क्यों नहीं है, महंगाई की यातना क्यों है, आपका भाई बेरोजगार क्यों है, देश सबसे बड़ा 982% बेरोजगार हो गया, ऐसा क्यों? हमारे जो पंजाब के NRIs गए, यहाँ से पलायन करके मजदूर जाते हैं, वहां से पलायन करके यहाँ बिहार से और यूपी से मजदूर आते हैं, ऐसा देश कैसे बन गया? ये क्या कारण है कि इस देश में जहाँ हम रह रहे हैं आज यहाँ नरेंद्र मोदी जी इतना नशा पंजाब में बिकता है, ये आता कहाँ से है? ये क्या लॉजिक है कि देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में देश 250 लाख करोड़ के कर्जे में आ गया, ये देश सबसे बड़ा विश्व में हम कर्जदार बना चुके हैं, इसका उत्तर कैसे देंगे? वो अपने आप को फकीर कहते हैं, फकीर 15 लाख का सूट पहनता है क्या? फकीर 8,500 करोड़ रुपए के दो दो हवाई जहाज में चलता है क्या? अडानी और अंबानी से नीचे बात ही नहीं करता है क्या? हीरो हीरोइनों को इंटरव्यू देते हैं, वो अक्षय कुमार को दिया, बिल गेट्स को दिया, पत्रकारों को क्यों नहीं दिया इतना साल, चुनाव में ही क्यों दिया? ये सवाल बनता है, अभी तो उनसे पूछो। इस सवाल का उत्तर तो ऐसा ही हो गया जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा टीवी पे कि मैं भगवान का अवतार हूँ। किसको कहा? उन्होंने खुद ने अपने आप को कहा कि मुझे ईश्वर ने भेजा इन कामों के लिए। तो वो आज ही राहुल जी ने इस मुद्दे को उठाया कि बायोलॉजिकल आदमी नहीं, इंसान नहीं है, वो भगवान के अवतार है। वो ही शिवराज सिंह बताते हैं, वही हमारे यहाँ के मोहन यादव बताते हैं, यही हमारे खट्टर साहब बता चुके हैं, ये बीजेपी कई सांसद नेता बता चुके हैं। तो भगवान के अवतार है वो और उनके ये अनुयायी है, ये जो बोले अभी इसका उत्तर सब 4 तारीख को मिलेगा। क्यों वोट 400 पार क्यों होगी? लॉजिक तो बताए कि देश आपने बनाया कैसा, इसलिए होगी जैसा मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि देश विश्व में 82% बेरोजगार है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इसलिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा महंगा खाने पीने का है। अरे इसलिए होगा कि किसानों को आपने 750 के एक तरह से सरकारी हत्या कर दी, आपने कोविड में 1 करोड़ लोगों के सरकारी हत्या कर दी। क्यों होगा? इसलिए कि देश 250 लाख करोड़ के कर्जे में चला गया, इसलिए कि डॉलर 58 से 85 रुपए कर दिया आपने, इसलिए होगा कि किस लिए 400 पार होगा, एक लॉजिक तो दे, कारण तो बताए क्यों होगा? भारतीय जनता पार्टी के जो इसलिए होगा कि आरक्षण समाप्त करना है, इसलिए होगा कि रोजगार संविधान समाप्त करना है, इसलिए होगा कि आपके मीडिया को और सरकारी मीडिया करना है चाइना जैसी, किस लिए होगा? तो बहन शांत हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल पंजाब के होशियारपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि 5वें चरण के बाद अब 6ठा और 7वें चरण का मतदान होना है और साफ हो गया है कि कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा पंचर हो गया है और उस पंचर पर अब कई स्टिकर भी नहीं लग रहा है। वो जैसे भाषा उपयोग कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। एक प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। वो अपने भाषणों में मांस मछली मंगलसूत्र मुसलमान से लेकर ये तक कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो वो आपकी टोटियां निकाल कर ले जाएगी, बिजली के कनेक्शन काट देंगे, बैंक खातों से पैसा निकाल लेंगे। ये PM का नैरेटिव इन चुनावों में रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी देश में समानता लाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो और संसाधनों पर हर वर्ग की हिस्सेदारी हो। उन्होंने दावा किया कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।